डिजीज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डिवाइड किया गया है एक्सटर्नल ईयर को पीना में एंड इकोस्टी कैनाल में। डिजीज ऑफ द पीना, तो इसकी डिजीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। में जेनिटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आता है जी एनोटिया, क्या है कि एबसेंस ऑफ द पीना, पीना है ही नहीं, ये जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर है ये टोटली एबसेंट है। एबसेंट क्यों है? फर्स्ट आर्च सिंड्रोम की वजह से। माइक्रोटिया का क्या मतलब होता है? कि कान छोटा है, जिसको हम पीनट ईयर भी कहते हैं, एम सी उसमें आ सकता है। उसके बाद माइक्रोटिया क्या होता है? कान बहुत बड़ा है। बैट ईयर क्या होता है? कि जो ईयर है ना नॉर्मली प्रोट्यूडेड होता है, अगर हमें सर्जिकल करेक्शन करनी हो तो हम सिक्स ईयर तक करते हैं। बुलशेल ईयर या स्नेल शेल ईयर, हमारा पीना का अपर थर्ड पार्ट है ना वो रोल हुआ होता है, तो क्रिप्टोरिया या पॉकेट ईयर था, इसमें अपर थर्ड पार्ट स्किन या स्कैल्प के अंडर प्रेजेंट होता है। ग्लोकोमा का क्या मतलब है? कि हमारे ईयर के अंदर ट्रांसवर्स क्लेफ्ट प्रेजेंट है। तो माइनर डिफॉर्मिटीज में दो तरह के ट्यूबरकल्स आते हैं, डार्विन ट्यूबरकल, स्टाहल ट्यूबरकल, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेलिक्स है ना उस पर अबनॉर्मल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। डिफॉर्मिटीज ऑफ द ईयर लोब्यूल, लोब्यूल है इसमें डिफॉर्मिटीज आती हैं, या तो ही होता ही नहीं है, या लार्ज होता है, स्मॉल होता है, बाइफिड होता है। इस तरह पेरी ओरिक्यूलर टैग्स या ट्यूबरकल्स या अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, ये नॉर्मल आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं। पेरी ओरिक्यूलर साइनसिस या पिट्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका क्या मतलब है? ये पेरी ओरिकुलर साइनस या पिट की पिक्चर बनी हुई है। डिसऑर्डर्स, ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द पीना में हिमाटोमा ऑफ द ओरिकल, किसी भी ब्लड ट्रोमा की वजह से जो हमारा ईयर है उसमें ब्लड कलेक्शन हो जाती है बिटवीन द कार्टिलेज एंड द पेरिकॉन्डियम, और अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो कुछ ईयर की शेप हो जाती है इस तरह की, जिसको हम कली फ्लावर ईयर कहते हैं। ट्रीटमेंट हमें क्या करना है कि अगर हिमाटोमा फ्रेश है हम एस्पायर कर सकते हैं, अगर एस्पायरेशन नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, उसकी इंसीजन ड्रेनेज कर देंगे और उसको बाद में हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके अलावा क्या होता है कि ईयर की लेसरेशन हो सकती है, ये लेसरेशन शो की गई है। उसके बाद इवल्यूशन ऑफ द पीना हो सकता है कि हमारा पीना टोटली पीना रिमूव हुआ हो जाए, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। फ्रॉस्टबाइट, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हमारे जो ईयर है पीना है इसका फ्रॉस्टबाइट हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेडनेस होती है, एडीमा होता है, बुला फॉर्मेशन होती है और उसकी नेक्रोसिस हो जाती है उस पार्ट की। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हुआ है तो हमने रिवॉर्म कर देना है, सिल्वर नाइट्रेट सॉक देनी है। इसके अलावा पेन बहुत हो रही होती है, एनाल्जेसिक देंगे हम, और इसके अलावा अगर बुला फॉर्मेशन हो गया तो हम उसकी रैप्चर से प्रिवेंट करेंगे और टैमिक एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्लड फॉर्मेशन हो जाती है, उन्होंने यहाँ पर शो की गई है, फेम सा नोड्यूल बन जाता है पेना पे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। बाजू का क्या होता है कि हमने रिमूव तो कर दिया लेकिन रिकवर हो जाएगी। रीअक्रेंस की प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम रेडियोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रोमेटिक डिसऑर्डर्स थे। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में पेरिकोनड्राइटिस आ जाता है। पेरिकोनड्राइटिस में क्या होता है कि जो पेरिकोनड्रियम है पीना की उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली पेनफुल पीना होता है। और पेरिकोनड्राइटिस के कॉजेज में कौन से कॉजेज आते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑटिटरी कैनाल के डिसऑर्डर्स में फ्रंकुलोसिस की वजह से हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से हो सकता है, हमने पीछे हिमाटोमा लेसरेशंस पढ़ी हैं उसकी वजह से भी पेरिकोनड्राइटिस हो सकता है। अब पेरिकोनड्राइटिस हो गया तो इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसका जो पीना होगा रेड हॉट पेनफुल हो जाएगा, और इसके अलावा एब्सेस बन सकती है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, 4% एल्युमिनियम एसिटेट देंगे, जो अब्सेस अगर बन गया तो हम उसको ड्रेन कर देंगे, उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे। इसके अलावा रिलैप्सिंग पेरिकोनड्राइटिस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हुई तो इन्फ्लेमेशन ही है पीना की, इसमें कॉजेस की वजह से हो रही थी, इसमें ऑटोइम्यून हो रही है, और एक्सेप्ट द लोब्यूल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारा जो पीना है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो पेनफुल हो जाता है। ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉइड्स ही लेते हैं। कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस नोड्यूलरिस कॉर्निका हेलिकस, इसमें क्या होता है, इतना मुश्किल है, उन्होंने नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है। इसमें होता क्या है कि हमारा हेलिक्स है ना, हेलिक्स के फ्री बॉर्डर पर पेनफुल नोड्यूल बन जाता है। यानी पहले हम पेरिकोनड्राइटिस में पढ़े होल पीना इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें लोब्यूल के अलावा पीना इन्वॉल्व, अब इसमें सिर्फ जो हेलिक्स है ना वहाँ पर पेनफुल नोड्यूल बन रहा है, उसको ये कहते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी।